साथियों, आज का वीडियो जो है थोड़ा हटके है। मैं जॉब पॉइंट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एडुकेशन एंड रिलेशनशिप पर वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत दिनों से मैं रिलेशनशिप पर वीडियो नहीं दिया था, तो आज का जो वीडियो है रिलेशनशिप पर है। आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग को धोखा मिलता है तो हम क्या करें रिलेशनशिप में, जिससे हमें आशाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि ये बंदा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी साथियों अगर उस जगह पर धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। देखिये, धोखा देने वाला कोई और नहीं होता है, वह हमारा अपना करीबी होता है, शायद इसी कारण हम लोगों को धोखा मिलता है। तो सब जब हमें धोखा मिलता है ना, सब कुछ हम लोगों का बिखर जाता है। खास तौर पर धोखा देने वाला अगर हमारा अपना पार्टनर हो तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि कहीं मेरे अंदर ही तो कुछ कमी नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको रिलेशनशिप में कहीं भी धोखा मिला है तो ऐसा क्या करें, उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पूरा समय लीजिए। आप पूरा समय लीजिए मतलब है कि आपको जिस वजह से शक है कि लगता है कि ये बंदा यो बंदी आपके साथ धोखा कर रहा है, जिस मैटर पर आपको शक है उस पर निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें, बल्कि पूरा समय लें। ठीक है, आपको किसी से भी इस बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अपने पार्टनर से भी नहीं। आपको गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन नाराजगी से कहे शब्द से नुकसान ज्यादा होता है। हम लोग गुस्सा में जो शब्द किसी को बोल देते हैं उससे नुकसान साथियों बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, ना बहस करें और ना ही लड़ें। देखिए, जब आपको धोखा मिलता है तो विरोध दर्ज करना जरूरी है, और सामने वाले को भी ये पता चलना चाहिए कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप नाराज हैं। लेकिन अपने आवाज और शब्दों को कंट्रोल में रखें। पार्टनर को ये जरूर बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पर यह आप खुद के बारे में कैसा सोच रहे हैं। तीसरी बात साथियों, दोष ना डालें। अपने पार्टनर पर कभी भी ज्यादा दोष ना डालें। अक्सर जो देखते हैं पति पत्नियों में जो रिलेशन में धोखा मिलता है तो वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, जिससे नजदीकी पर उन्हें शक हो जाता है। किसी तीसरे पर दोष मढ़ना गलत है। जो शख्स आपको प्यार को जुटलाकर आगे निकल गया, गलती उसकी है, आपकी नहीं। अपने मामले में किसी दूसरे को बोलने का मौका मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो बेहतर यही होगा कि आप इस बात की चर्चा किसी और से ना करें। किसी तीसरे को इन बातों में शामिल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप में ऐसा होता है। ओके?